हेलो गाइस, वेलकम टू रोहन व्लॉग। आज का व्लॉग जो है मेरे हेयर स्टाइल पर होने वाला है। जैसे कि आप लोग मेरे बाल देख रहे हो, ये काफ़ी ही वियर्ड साउंड कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो आप, काफ़ी कर्ल्स हो गए हैं और डैमेज भी बहुत हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बहुत टाइम से सोच रहा था इसको कैरेटिंग कराने की, स्मूदनिंग करा लूँ या स्ट्रेटनिंग करा लूँ, लेकिन स्ट्रेटनिंग में और डैमेज हो जाएंगे, स्मूदनिंग में भी और डैमेज हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इसको कैरेटिंग करा लेता हूँ, कैरेटिंग तो स्मूदनिंग करा लूँगा तो ये अच्छे लगेंगे। जिनसे मैं पहले भी करा चुका हूँ कैरेटिंग, लेकिन मेरे जो हेयर है वो डैमेज तो कम हो गए थे, लेकिन एक्चुअली जो कर्ल्स है वो कम नहीं हुए थे। तो मैं आज उसी के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी सैलून पे। अब देखते हैं क्या करते हैं, कैरेटिंग करेंगे या स्मूदनिंग करेंगे या स्ट्रेटनिंग करेंगे। लेट्स सी। तो आइए मैं आपको भाई का दुकान बताता हूँ। ये शॉप है भाई की, तुंगा गाँव में शॉप है भाई की। ये एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक्चुअली आज भाई का दुकान बंद है, आज मंडे है। तो भाई से मैंने पर्सनली बात की है, तो भाई ने मेरे लिए स्पेशली जो है कैरेटिन और मेरा स्ट्रेटनिंग कराने वाले हैं। तो आओ देखते हैं, मैं भाई से मिलाता हूँ आपको। हमारे सलमान भाई, तो आज हमारा हेयर स्ट्रेटनिंग करेंगे और 10 दिन के बाद क्या करने वाले भाई बताओ जरा। स्ट्रेटनिंग करेंगे, स्ट्रेटनिंग क्या क्या है, भाई का बाल बहुत कर्ल है तो इसके लिए हम लोग पहले स्ट्रेटनिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग 8 से 10 दिन के बाद केराटिन करेंगे। तो उससे क्या रहेगा ना, बाल का जो रफपन है पूरा दूर ख़त्म हो जाएगा। रफ रहता ना तो उससे क्या, स्ट्रेटनिंग करते बाल डैमेज होता है, रफपन आता है, इसके लिए केराटिन करते हैं। कंडीशनर
Precious when you. हमारी स्ट्रेटनिंग जो है हो गई है तो भाई अभी आगे का क्या प्रोसेस है? आगे का अपन लोग केराटीन करेंगे, उसके साथ अपने को हेयर कट करने का। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट होगा वो हमारा हेयर कट प्लस केराटीन होगा। केराटीन रहेगा।